श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेशारा की कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं को यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अगले वीडियो में रस और अलंकार को पढ़ाया हूँ। आज मैं उपसर्ग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। उपसर्ग का अर्थ क्या है, उपसर्ग के विषय में पहले समझ लीजिए उसकी परिभाषा क्या होती है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। उपसर्ग दो शब्दों को, दो शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उप का अर्थ होता है नजदीक, समीप होना, और जबकि सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, निर्माण होता है। तो एक नया शब्द बन जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है निकट, समीप, जबकि सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना। इसलिए वे वर्ण समूह जो किसी शब्दों से पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं, तो वह उपसर्ग कहलाते। जैसे हाल के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया जाए, अगर हाल शब्द है उसके पहले अगर प्र एक उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द क्या बन जाता है? प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है मारना। और इसी तरह उपसर्ग है अत, अगर क्रमण है, अगर उसके पहले अति जो है लगा दिया जाए उपसर्ग तो अतिक्रमण हो जाएगा। अगर स है तो उसके पहले अति उपसर्ग लगा दिया जाए तो अतिशय हो जाएगा। इसी तरह करण है, अगर उसके पहले अन अगर लगा दिया जाए तो अनुकरण हो जाएगा। फिर अगर रूप है, अगर उसके पहले अन लगा दिया जाए तो अनुरूप हो जाएगा। अगर भाव है, अगर अन उपसर्ग लगा दिया जाए तो अनुभव हो जाए। यह तो आप लोगों का उपसर्ग हो गया। अब एक चीज और है, उपसर्ग हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 होती है तथा संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती। अब यह तो उपसर्ग हो गया। दूसरा अब है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है? प्रत्यय के विषय में समझ लीजिए, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, और जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। इसलिए जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके अर्थ में बदलाव कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में शब्द जो होता है वह पहले जुड़ जाता है, और प्रत्यय में जो है वह शब्द अंत में जुड़ता है। यही चीज में होती है, यही समझने की बात होती है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, कैसे हम समझ लेंगे, कैसे बना लेंगे। तो आपको पहले एक चीज को बहुत गौर से, बहुत ध्यान देने योग्य बात मैं बता रहा हूं कि उपसर्ग में जो होता है पहले शब्द जुड़ जाता है और प्रत्यय में अंत में जुड़ जाता है, जो एक नया शब्द बनता है। तो हमने बताया कि प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन है।
प्रति का अर्थ होता है साथ में, जबकि अर्थ का साथ होता है चलने वाला। इसलिए जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में एक नया परिवर्तन कर देते हैं, एक नया बदलाव कर देते हैं, एक नया शब्द बन जाता है, वहां पर वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे कृत प्रत्यय के बारे में समझ लीजिए, जो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़ करके संज्ञा अथवा विशेषण का निर्माण करते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दौड़ना, दौड़ना है, दौड़ जो है मूल शब्द हो गया, ना प्रत्यय आकर जुड़ गई तो हो गया दौड़ना। अब हट, हट लेकिन हट तो या तो एक प्रत्यय दे दिया गया कि आप हट से शब्द बनाइए, तो घबराहट, हट जो है शब्द जुड़ गया इसलिए वह एक नया शब्द बन गया घबराहट। जगमगाहट अर्थात हट जो है फिर जुड़ा आपका जगमगाहट हो गया। त्वा आपका प्रत्यय क्या हुआ, त्वा, अब उसमें नया शब्द बनाना है इसलिए महत, गुरत, कवित। आई प्रत्यय जो से लिखना है, आई प्रत्यय से क्या लिखना है, आपको आई प्रत्यय से दे दिया गया कि आई प्रत्यय से तीन शब्द बनाइए तो लिखाई, पढ़ाई, भलाई, बुराई आदि। इसलिए आप लोग देख लीजिए इस शब्दों को हमने इसको लिखा है, आप लोग अपने नोटबुकों पर लिख लीजिए। आप इस ध्यान देने योग्य बात, महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताया है, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। अच्छा बच्चों, अब मैं आगे तद्भव और तस्तम शब्द के बारे में बताने जा रहा हूं। अब तस्तम शब्द किसे कहते हैं, तस्तम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में लिख दिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वह तस्तम शब्द कहते हैं। उसमें तस्तम शब्द में संस्कृत भाषा में वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो वह जो है तस्तम शब्द कहलाता है। अर्थात उसके शब्द के में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जैसे वह होता है उसी तरह लिख दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तस्तम शब्द कहते हैं। रह गई तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा की जो शब्द प्राकृत या अपभ्रंश आदि से गुजरने के कारण, चलते चलते गुजरने के कारण कुछ उसमें विक्रांतियां आ जाती हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो वह बदल जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आंसू, पानी, सूरज। अब रह गई तद्भव शब्द की, तद्भव जैसे आपका है आम, लेकिन वह आम जो है वो चलते चलते वह बदलाव हो गया, उसका तस्तम क्या होना चाहिए, आम्र होना, आम्र होना चाहिए। रह गई बात आ, आग जो है बोलचाल भाषा में आग कहा जाता है, सभी लोग आग कहते हैं, लेकिन उसका असली रूप, असली शुद्ध रूप अग्नि है। आंसू सभी लोग कहते हैं, आंसू एक साधारण बोलचाल की भाषा है, आंसू आंसू सभी लोग चिल्लाते हैं, लेकिन उसका तस्तम रूप जो होता है अश्रु होता है, जो संस्कृत से मिला जुला हुआ मिलता है। अनाज सभी लोग एक देहाती भाषा में भी, बोलचाल भाषा में भी, आम भाषा में भी क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं, लेकिन तस्तम रूप उसका क्या है, वह जो अश्रु है। अगर अश्रु लिखा गया है तो यहां पर हमने बताया है कि ज्यों के त्यों लिख दिया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, लेकिन अगर वही आंसू लिखा गया है तो तद्भव में उसे जो है बदल करके अश्रु लिखा जा सकता है। गधा है, अब गदर्भ है, अगर गधा कहीं लिखा गया है लेकिन संस्कृत में अगर उसका शुद्ध रूप देखा जाएगा तो गदर्भ माना जाएगा।